ईडी में राहुल गांधी के पेशी को लेकर अब सियासत दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक गर्मा गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिन तक दिल्ली में डटे रहे और केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार और ईडी का जमकर विरोध किया। इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी, जीडीपी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने देश की समस्याओं पर बोला, इसलिए केंद्र उन पर दबाव बनाना चाहती है। इसका खामियाजा आने वाले समय में केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। 3 दिन से कांग्रेस कार्यालय में कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। जाएंगे तो कौन जाएगा, कितने लोग जाएंगे, ये सारे दिल्ली पुलिस कंट्रोल कर रही है। और 3 दिन से हम लोगों को गिरफ्तार ही कर रहे हैं। प्रजातंत्र के लिए बेहद खतरनाक, क्योंकि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। कांग्रेस के आरोपों से इतर बीजेपी ईडी की कार्यवाही को जायज ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो नोटिस दिया गया है उसका उन्हें जवाब देना चाहिए, लेकिन यहां तो सरकार और ईडी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ईडी की कार्रवाई के लिए जो नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया राहुल गांधी के को नोटिस दिया जाता है, इसका उनको जवाब देना चाहिए। जवाब के बदले में एजेंसी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को दबाव में लाने की कोशिश होती है और जांच एजेंसी के ऊपर दबाव डाल के, प्रदर्शन करके, धरना करके, लोगों की ताकत दिखा के आप क्या बताना चाहते हो, क्या अपराध छुप जाएगा। ईडी की ओर से राहुल गांधी को बार बार बुलाए जाने का विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिख रहा है। हालांकि बीजेपी इसे चोर मचाए शोर वाली स्थिति बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली। अब देखना होगा आने वाले समय में कांग्रेस का इसे लेकर क्या रुख रहेगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है राहुल पर राजनीति। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर ईडी की कार्यवाही पर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध देखा जा रहा है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक छत्तीसगढ़ के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? कांग्रेस जो विरोध कर रही है और बीजेपी उस पर जो हमला बोल रही है, क्या है इसके मायने, क्या है इसका कारण? करेंगे आज इसी विषय पर हम चर्चा। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजय साहू जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी से नेता प्रवक्ता सुशांत शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुशांत जी, आपके रिएक्शन, आपके प्रतिक्रिया से मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मसला केंद्र से जुड़ा है जिसका असर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। प्रदेश में भले ही आपकी सरकार ना हो, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है। कांग्रेस का ये कहना है कि राहुल गांधी तो मुद्दों को उठा रहे हैं, असलियत को सामने ला रहे हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, और केंद्र में बैठी आपकी पार्टी की सरकार बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रही है। दीपक जी, छत्तीसगढ़ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में जब ये चर्चा होती है तो चोर मचाए शोर की कहावत चरितार्थ होती है। दिल्ली में ईडी के सामने हेराल्ड मामले पर अगर माननीय सोनिया जी और राहुल जी का संबंध होता है, पूछताछ होती है, तो आखिर कांग्रेस तिलमिलाई क्यों हुई? अगर उनके नाम पर अराजकता कानून तोड़ने की व्यवस्था दिल्ली में बनाएगी तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी ही। यह मोदी जी का राज है, यहां पर गांधियों का राज नहीं चलता, छत्म गांधियों का। मैं आपके माध्यम से अपने साथी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी के नियमों पर और नैतिकता पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी आज भ्रष्टाचार के मामले में संरक्षण के रूप देने के लिए एक जांच एजेंसी पर दबाव बना रही है। ये कहां की नैतिकता है? और जब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर बात करते हैं तो संवाद के नाम पर आप हमारे नेताओं को बदलापुर की राजनीति करते हुए एफआईआर के माध्यम से पुलिस को आगे करके डराने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आपको जवाब देने के लिए तत्पर है। दिल्ली और केंद्र और भारत के संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो भूपेश बघेल की बाद में बेहतर निपटेंगे हमसे, पहले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से निपट ले, फिर दिल्ली में आतंक का रोना रोएंगे। जी अजय जी, क्या कहेंगे? सवाल पूछ रहे हैं सुशांत जी, आप जिस पार्टी से आते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन बातों ही बातों में सुशांत जी यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर जांच हो रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, घोटाला ऐसा कुछ हुआ है,
तो जांच में आखिर खलल डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं नेता कार्यकर्ता? देखिए दीपक जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई किसी ने लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। 2014 से पहले जो लोग 2G 3G और कोल स्कैम की बात करते थे, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते थे, हमने तो अपने ही नेताओं को जेल भेजने का काम किया है जिन पर केवल आरोप लगे थे, और उन आरोपों के बाद में केंद्रीय मंत्री रहते हुए जो नेतागण थे उनको जेल की यात्रा करनी पड़ी। ये साहस दिखाया इस देश के इतिहास में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है तो देश ने देखा है, किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का बेटा, टेनी का बेटा किसानों को कुचल कर मार देता है, उसकी जमानत हो जाती है, उससे इस्तीफा नहीं लिया जाता। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, प्रदेश के बिलासपुर के कांग्रेस भवन में पुलिस ने घुस करके जिस तरीके से लाठी डंडे चलाए थे, बिल्कुल वैसा ही कृत्य दिल्ली में, बिल्कुल वैसा ही कृत्य दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, केंद्र में जो सरकार बैठी है उसके इशारे पर, AICC के दफ्तर के अंदर घुसने का जो साहस दुस्साहस किया है दिल्ली पुलिस ने, इसकी जितनी निंदा की जाए ये कम है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दीपक जी, सुशांत जी को कहिए पहले सुनने का साहस किया है, जब वो कह रहे थे तो मैं सुन रहा था, अगर साहस नहीं है तो डिबेट छोड़कर जा सकते हैं। वो जब अपनी बात कह रहे थे तो हम सुन रहे थे, हमारी बात भी उनको सुननी होगी दीपक जी, इस तरीके से डिबेट आगे नहीं बढ़ेगा। आप उनको समझाइए पहले दीपक जी, उन्होंने जब कहा हमने पूरी गंभीरता से उनकी बातों को सुना, सुशांत जी आपको मौका दिया मैंने, साहस है कि नहीं है पहले ये बता दे सुनने का। जी बोलिए जी, सुशांत जी अब शांत हो गए, बोलिए आपका, आपकी बारी है फिर मैं लौटूंगा। किसी भी राजनीतिक दल के दफ्तर के अंदर घुस करके इस तरीके से लाठी चलाना पूरी तरीके से असंवैधानिक है, मोदी सरकार इसकी गुनाहगार है, देश की जनता देख रही है। इनकी जो, इनका जो विभाग है इलेक्शन मैनेजमेंट विभाग डिपार्टमेंट जिसे ये ईडी कह रहे हैं, ये जिस जिस राज्यों में चुनाव होता है जहां पर इनकी सरकारें नहीं होती है ये इन एजेंसियों को भेजती हैं, और वहां पर जो कांग्रेस के नेता को किस तरीके से दबाव में लाने का काम होता है। राहुल जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप ये कह रहे हैं, ये जो बातें कह रहे हैं, नेशनल हेराल्ड किसकी कंपनी थी? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। यदि आज उसके किसी तरीके से आर्थिक संकट आता है और हम उसको अगर मदद करते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? पहली चीज सुन लीजिए, सुशांत जी देखिए फिर आप सही कर रहे हैं, मैं लौटूंगा ना आपके पास, आपको बात करना हो रहे हैं वो सारे, सुशांत जी आपको वक्त मिलेगा, पहले बात तो सुन लीजिए अजय जी क्या कह रहे हैं। अगर बातें बाहर आ रही हैं, अगर बातें दीपक जी बाहर आ रही है तो हमारी ये मांग है कि वहां पर कैमरे लगा दिए जाएं, जूम के माध्यम से सबके सामने, देश जानना चाहता है कि जिस परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा रहे हैं, ये वही परिवार है जिसने अपने घर के लोगों की बलिदान का बलिदान दिया इस देश की एकता और अखंडता के लिए, जो लोग अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे दीपक जी, आज उनके मुंह से ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती। और डॉक्टर रमन सिंह जी जो बात कर रहे हैं, चोर मचाए शोर, तो दिल्ली में जो बैठा हुआ है वो चोर है और शोर वही मचा रहा है। हम तो आप वही कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं सुशांत जी, कतई डरने वाले हैं, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और एक चीज बता दें हम आपको दीपक जी, हम आपको एक चीज और बता दें, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश होगी तो हम उठकर खड़े होंगे और इसका विरोध करेंगे। हम यही तो समझ रहे हैं कि आखिर क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है या फिर ये जो कार्यवाही हो रही है ये कितनी सही है, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों मेहमान एक साथ बोलने लगते हैं इसलिए दर्शक कुछ समझ नहीं पाएंगे। बहरहाल मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, मैं फिर से आप दोनों को भरपूर वक्त दूंगा। उचित जी आपसे मेरा सीधा सवाल, आप भी दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं, लेकिन इस मसले को लेकर जिस तरह से दिल्ली में हमने देखा काफी आक्रामकता देखने को मिली, काफी नाराजगी कांग्रेस नेताओं की देखने को मिली, और अब यह मसला कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी उठाया है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को? देखिए जहां से मैं देख रहा हूं वहां पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो पहले ही बिखरी हुई थी,
जो कांग्रेस अलग अलग खेमों में बटी हुई थी, अब वो राहुल जी के पीछे दिख रही है। जिस तरीके से ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जिस तरीके से ये बात उठाई गई, जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया गया, जिस तरीके से पूरे देश के बड़े नेता दिल्ली में इकट्ठे हुआ, ऐसा लगता है कि जो इतर होती, इलेक्शन से थोड़ी सी दूर होती या लोगों से, जनता से थोड़ी दूर होती जो कांग्रेस थी, उसको थोड़ा संबल मिला है, उसको थोड़ी सी शक्ति मिली, उसको थोड़ी सी ऊर्जा मिली है। वो बात अलग है कि जो भी पिछली सरकार में जो मंत्री थे या सोनिया जी के करीबी थे, वो सब देखने को नहीं मिले, जितने वरिष्ठ हैं वो देखने को नहीं मिले। लेकिन ये बात सत्य है कि जितने भी युवा हैं, जो राहुल गांधी की टीम के लोग हैं, वो देखने के मिले, और पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी के पीछे खड़ी हुई दिखी। इससे मैं जो देख रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी कांग्रेस थोड़ी सी जिंदा हुई है, सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुई है, इसके नीचे एक आंदोलन के रूप में मतलब एक खड़ा करने के लिए एक शक्ति उनमें आई है, तो ऊर्जा उनको प्राप्ति हुई है। वो छत्तीसगढ़ में तो खैर उन लोग काफी संबल हैं, ये बात अलग है, लेकिन केंद्र में जिस तरीके से विपक्ष और जमहूरियत विपक्ष पिछड़ रहा है, उसमें थोड़ी सी आज तो आम आदमी की जगी है, आवाम की जगी है कि विपक्ष थोड़ा सा स्ट्रांग होते नजर आ रहा है। तो कुल मिला के इस इवेंट के बैर राहुल गांधी के पीछे खड़े हुए लोगों के कारण ये जो दिख रहा है इवेंट, इससे थोड़ी सी शक्ति कांग्रेस को मिली, थोड़ी ऊर्जा मिली है। दीपक, लेकिन उचित जी, हम ये भी देख रहे हैं जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, ठीक है जब भी जांच होती है तो जांच निष्पक्ष होना चाहिए और जांच का सहयोग भी करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ बदले की भावना से हो रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस क्या इस बहाने एक मुद्दा उठाकर एक जनता के भीतर भी ये संदेश देना चाहती है कि राहुल गांधी तो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, और ये बदले की कार्रवाई से सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी, पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी, आप पूरे विपक्ष को देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए, जिस प्रकार से पिछले 3-3.5 साल से राहुल गांधी विपक्ष को आड़े हाथ ले रहे हैं, जिस तरीके से वो बात रख रहे हैं, और हिंदुस्तान में अगर कोई अडानी अंबानी के खिलाफ अगर कोई दिल खोल के बोल रहा है, सड़कों पे बोल रहा है, बहुत जोर से बोल रहा है, वो राहुल गांधी है। तो ये सिर्फ तो सीधा सीधा है कि ये उनके साथ मिले हुए तो नहीं है, ये भ्रष्टाचारी तो नहीं है। दूसरा, भ्रष्टाचार का विषय यह है ही नहीं, तकनीकी चीज है, वो बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन सवाल ये कि इन पिछले 7-8-10 सालों में ईडी ने अपनी इमेज ऐसी बना ली है कि आज ईडी, चाहे आप देखिए कि कमलनाथ के यहाँ हों, अशोक गहलोत जी के यहाँ हों, पश्चिम बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, छत्तीसगढ़ में हो, यहाँ जो भी ईडी ने किया, चुनाव के दौरान किया, तो ईडी ने जो अपनी इमेज बनाई है उससे जहां भी आप कोई पूछताछ करेंगे तो उसमें लोग राजनीतिक दृष्टिकोण अपना खोजने लगेंगे। ये बात सत्य है, आज जो हो रहा है, ईडी किसी को भी बुलाए तो उसमें लोग, आवाम, जनता या जो सोच रखते हैं, जो थोड़ी सी समझ रखते हैं, वो समझ जाती है कि इसके पीछे पॉलिटिकल एंगल क्या है। तो ये पूरी की पूरी जो ईडी की इमेज बनी हुई है वो आवाम के बीच तो बहुत खराब बनी हुई है, उसमें राजनीतिक सोच और समझ, और जिनको समझ है वो समझ जाते हैं कि क्यों ईडी के प्रति क्या है। जैसे महाराष्ट्र के संजय राउत ने भी बोला कि 48 घंटे हमको ईडी दे दी जाए तो देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट देंगे। तो इसके कई मायने, आप समझिए कि ईडी की इमेज इतनी गिर चुकी है, इस राजनीतिक दलों ने इतनी इमेज गिरा चुकी है कि आवाम और जनता उस पर भरोसा नहीं करना चाहती। उसी का ये कारण है कि आप ये देखिए कि जो राहुल गांधी को जो चर्चा कर रहे हैं, जो केस 2015 तक बंद हो गया था, जो बंद करने की, फाइल करने की बात उठी थी, आप फिर उसको खोला गया और उस पर पूरे चीजें चल रही है जी। इसमें भ्रष्टाचार कहीं है नहीं, सरकार का कोई पैसा है नहीं, आवाम का कोई पैसा है नहीं, बिल्कुल। वो आप देखिए उसमें तकनीकी त्रुटियां, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें बुक ट्रांसफर हुई है, कैश ट्रांसफर तो हुआ नहीं है, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा आता कहां से? फिर हम भ्रष्टाचार का आरोप किस पे लगाए? भ्रष्टाचार का आरोप उस परिवार पे जिन्होंने अपने घर और आनंद भवन जैसे भवन को भी सरकार को दे दिया हो, ऐसे लोग को हम भ्रष्टाचार कहें? जो खुद थोड़ा बहुत, जो मैं बोलूंगा कि 10 साल तो उन्होंने त्याग भी किया हो, प्रधानमंत्री चाहे तो 10 साल वो बन सकते थे, इन्होंने नहीं किया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो एनजीओ के बारे में आप बोल रहे हैं, वो एनजीओ अलग बात है कि 78% माँ के नाम है, 22% बेटे के नाम पे है, वो तकनीकी त्रुटियां हो सकती है, लेकिन उनकी नियत पे कहीं खोट है, इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण तो अभी किसी के पास भी नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। इसके पहले 80-80 घंटे वाड्रा जी की भी बातचीत हो चुकी है, पूछताछ हो चुकी है, लेकिन नतीजा अभी तक जो सिफर आया है, और आगे भी ऐसा लगता है कि अगर ये चीजें जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता तो इसको देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आगे कुछ और मिलने वाला है। चलिए, और ये तो समय बताएगा आगे आखिर क्या होता है। सुशांत जी, बारी बारी से मैं आप दोनों को वक्त दे रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए। आप कई सवाल पूछ रहे थे अजय जी से। जी जी, मैं सबसे पहले तो अपने वरिष्ठ साथी उचित शर्मा जी की बातों का खंडन कर देता हूँ। ये जिस उद्योगपति का नाम लेकर बड़ा ईमानदारी का एक
आडंबर रच रहे थे राहुल गांधी जी के नाम पर, उसी राहुल गांधी जी के कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार हरदेव अरण्य के मामले में उस उद्योग परिवार के साथ खड़ी हुई है और उसे बेजायर तरीके से जंगल काटने और कोयला उत्पादन की व्यवस्था दे रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से उसी चीज से, क्या गांधी महात्मा गांधी पर आधारित नैतिकता के साथ चलने वाली यह पार्टी गांधी से गांधी होते होते अगर नैतिकता व भ्रष्टाचार को बचाव करने के सड़कों पर उतरी है तो क्या यह पुरानी महात्मा गांधी जी की या नेहरू जी की कांग्रेस रह गई है? छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अपने उचित शर्मा जी से और अपने साथी साहू अधिया से पूछना चाहता हूं कि बदला दमन और दामन पर दाग लेकर अगर भूपेश बघेल दिल्ली में सीमा चोरी करते हैं जी, तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पुलिस के हाथों बदलापुर का शिकार होता है, ये कहां की परिपाटी आपने चालू की जी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं जिस राज्य का कलेक्टर अपने मंत्री को सहयोग नहीं करता, मंत्री उस पर व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, ये जिला कोरबा की बात है जहां पर डीजल और कोयला चोरी के नाम पर गैंगवार की स्थिति है, तो आज वो नैतिकता के आधार पर कांग्रेस दोनों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित क्यों नहीं करती जी? ये मैं एक विषय, दूसरा एक विषय जो सबसे बात है कि सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश में खनिज में और अन्यान चीजों में दाऊ टैक्स की वसूली चल रही है। मैं उचित शर्मा जी से और अजय साहू जी से पूछना चाहता हूं कि उचित शर्मा जी जैसे लोग जिन्होंने व्यवहारिक तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश में लड़ाई लड़ी है, वो अगर आप कांग्रेस के पक्ष में बात करते हैं तो मुझे शर्मिंदगी का एहसास होता है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने वाला एक और शख्सियत आज कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है। नहीं, उचित जी ने अपना मत रखा है, अपनी बात रखी, उन्होंने एक पक्ष रखा है, विश्लेषण करने की कोशिश की है जिस मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल उचित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए सुशांत जी, धैर्यता से सुनिएगा, अगर आप नैतिकता की बात करते हैं तो अगर गांधी जी की पार्टी है नैतिकता से दूर है तो क्या दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी उनके रास्ते पर चल रही है? क्या रंजू भैया के रास्ते पर भाजपा चल रही है? क्या मुखर्जी जी के रास्ते में भाजपा चल रही है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के रास्ते में भाजपा चल रही है? नहीं, नैतिक पतन तो सभी का हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी का करें। जी जी जी, अब आप सुनिए ना सुशांत जी, सुनिए। तो ये नैतिक पतन तो देखिए राजनीतिक पार्टियों में सभी का हुआ है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे अन्य पार्टी कोई भी हो, मैं इसमें सभी जितने दल है उसके नाम लूंगा, सबका पतन हुआ है। लेकिन ये मैं अपने अपने विचार रख रहे हैं। अब आप ये बहुत आसान है कि यही कोई पक्ष रख रहा है तो उसको सत्ता के साथ जोड़ देना या चीजें जोड़ देना। देखिए ये बात वही है, एनजीओ की आप टेक्निकली बात कीजिए, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। सुशांत जी दे रहा हूँ, देखिए सुशांत जी सुनिए, तो सुशांत जी सुनिए ना, सुशांत जी धैर्यता से सुनिए कि जिस मसले की आप बात कर रहे हैं, हसदेव अरण की बात कर रहे हैं, उसमें अगर मेन कल्प्रिट आप खोजेंगे तो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जो है इसमें कलेक्टर की भूमिका में है और राज्य सरकार इसमें पटवारी की भूमिका में है, और जिस व्यक्ति को जिस संस्था तोड़ने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने दिया है, ये आप ध्यान रखें और दस्तावेजी आधार पर मैं बात कर रहा हूं। सवाल कर रहे हैं तो जवाब, जी जी सवाल कर रहे हैं तो जवाब के लिए सुनिए, तो जवाब सुनिए तो आप उस भूमिका, अच्छा केंद्र की उसमें कोई भूमिका नहीं है, इस बात से आप इनकार करेंगे? केंद्र एक कलेक्टर की भूमिका में है और राज्य सरकार एक पटवारी की भूमिका में है, इस उदाहरण को समझने का प्रयास कीजिए। मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ ना पास खड़ा हूँ, मैं आज भी विरोध हम कर रहे हैं उस चीज का, हसदेव अरण का विरोध कर रहे हैं कि कोई नहीं, तो दोनों ही सरकार इसमें गलत, अगर हसदेव मामले में आएंगे तो दोनों ही सरकार, अगर केंद्र की गलती है तो 72% केंद्र की गलती है, 25% सरकार उसकी गलती है। आप धैर्यता से सुनिए, राहुल गांधी की शरण वंदना करके सत्ता हस्तांतरण की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के अडानी के पद पर काबिज मैं बस फिर से विषय पर लौटना चाहूंगा। ठीक है, उचित जी अपना तर्क दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन सुशांत जी आप देखिए फिर वही, हमारे दर्शक बारी बारी से आप तीनों को सुनेंगे तो वो भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अजय जी, मेरा आपसे सवाल है, एक बार फिर हम चर्चा की तरफ लौटते हैं। ठीक है, हमारा जो विषय है उससे थोड़ा इधर हो रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से सब कुछ कर रही है? रमन सिंह तो ये भी कह चुके हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
गुजरात के सीएम थे तब उन्हें भी ईडी ने तलब किया था, बुलाया था, तब बीजेपी ने तो ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया था। किस लिए बुलाया था दीपक जी? प्रधानमंत्री जी को गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए एसआईटी ने किस लिए बुलाया था? पहला प्रश्न तो यह उठता है। राहुल जी को किस लिए बुलाया है? राहुल जी के ऊपर क्या कोई भ्रष्टाचार का आरोप है? टेक्निकल चीजें हो सकती है लेकिन उस परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप आज तक नहीं लगा है। ईडी लगातार जांच करती है, पूछताछ करती है, उसके पास, अरे सुन लो यार सुशांत भाई सुन लो, ये सब तरीके ठीक नहीं है। झूठ बोलोगे टीवी चैनल पे बैठ के हम सुनते रहेंगे, ये उचित है क्या? झूठ मत बोलिए आप झूठ मत बोलिए। आप अपना चरित्र देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए। आप कह रहे थे हम सुन रहे थे। दीपक जी कोई व्यवस्था बनाइए नहीं तो इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। जी जी सुशांत जी देखिए मैं आपको इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। दीपक जी को अपनी बात रखने दीजिए। जी मेरे कोई व्यवस्था बनाइए आप। जी जी इन्होंने इनका आवाज म्यूट करिए, पहले इनका आवाज म्यूट करिए, मेरा ऐसा चरित्र नहीं है। जी बोलिए आप अजय जी, बोलिए। चंद लोगों की तरह मैं बात नहीं कर सकता हूं, मेरा एक स्तर है, मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके। जी आपका स्तर दिल्ली की सरकार। देखिए सुशांत जी फिर आप वही गलती कर रहे हैं। इन्होंने कहा समय की कमी है, मैं आपको भरपूर वक्त दूंगा, आखिरी के 40 सेकंड है मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। अगर आप ये शब्द यूज करेंगे तो मैं आपका भी बहिष्कार करूंगा। देखिए हम फिजूल में इतना क्यों लड़ रहे हैं सुशांत जी? ये नाराजगी सुन लो, सुनने का साहस ले आओ, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है देखो आपकी नाराजगी हम समझ रहे हैं लेकिन उसे थोड़ा ध्यानपूर्वक आप सुने। ये सुशांत जी तिलमिलाहट है, आपका जो तिलमिलाना है ये दर्शा रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। चोर कौन है जो केंद्र में बैठा है? चोर कौन है जो इस देश को बेच रहा है? चोर कौन है जो नोटबंदी करता है और अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाता है? चोर कौन है जो अपने पूंजीपति मित्र को श्रीलंका में ठेका दिलवाता है? चोर कौन है जो बीएसएनएल का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, जियो का एडवर्टाइजमेंट करता है? चोर कौन है? मेरे पास समय की कमी है लेकिन हमारी कोशिश यही थी अजय जी कोशिश यही थी कि इस चर्चा के जरिए हम एक उचित सार तक पहुंचे, निष्कर्ष निकालें, लेकिन लगातार जिस तरह सुशांत जी भी अपना तर्क रख रहे हैं, शोर कर रहे हैं, मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाते हैं, कुछ इसमें कुछ निष्कर्ष निकल कर आ नहीं पाता है। चलिए मेरे पास चूंकि अब समय की कमी है अजय जी, इसलिए मैं अब इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, मुझे यहीं पर विराम देना होगा इस चर्चा को। सुशांत जी, उचित जी और अजय जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।